What's up guys, हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो। गाइस, आज का जो गाना है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी अभी थोड़ा धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे वायरल होना चालू हो गया है। आजकल देखो गाइस, जो वायरल चीजें जो होती है ना, उसमें मैं बिलीव नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि इतने खराब गाने भी वायरल होते हैं जिसका मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब लोगों को घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि खराब म्यूजिक भी आपको दिखा के आपको अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब भी हम लोग रील्स पे जो ट्रेंड होता है उसको रिव्यू जब करते हैं, उसका तात्पर्य ये होता है कि हम लोग उसको टटोलते हैं कि भाई सच में जाते हैं कि बाबा ये सच में वायरल मटेरियल है या ऐसे ही किया गया करके। जो अभी बहुत सारे गाने आ चुके हैं फुकट के, ऐसे ही मतलब बकवास से बकवास, उसको कोई जरूरत नहीं थी, इतना वायरल होने की। बहुत सारे गाने पर ठीक है, चलो गलत है बट बहुत जल्दी सुधर जाएगा आराम से। So, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते जरूरी है। तो आज का गाना है साई अभ्यंकर जी का अस्सा कोडा। ठीक है, थे जो भारतवाज एंड प्रीति मुकुंदन साई स्मृति साई। ठीक है, थिंक मीडिया म्यूजिक इंडिया है, ये लोग भी प्रमोशन में माहिर है, क्योंकि पहले वाला भी गाना बहुत ज्यादा वायरल किया था, बट वो डिजर्विंग था। डिजर्विंग गाने जब अपने ट्रेंड करते हैं ना, तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है, सही, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट फिर सामने आते ना, मजा आता। बकवास आर्टिस्ट आते जो सिर्फ पैसा लगा के अपना प्रमोशन करवा के ये कर रहे, म्यूजिक भी अच्छा लाओ फिर। बिल्कुल, अगर म्यूजिक अच्छा रहेगा तो अपने आप ट्रेंड करेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं वीडियो पे। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और प्लीज हमसे कोई भी साउथ इंडियन सॉन्ग छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और हमारी बातों से आप सहमत हो तो यस और नो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बिल्कुल, तो मैं चालू करता हूं अस्सा कोडा बाय साई अभ्यंकर। सब अपने आर्टिस्ट, चल लगा दे सुशांत। सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल नाइस स्टार्टिंग, स्टार्ट अच्छा है। ओके, नाइस। अरे ए एफ्रो नाइस। आजकल इंडिया में एफ्रो क्यों चल रहा है समझ रहा नहीं मेरे को। स्टार्ट अच्छा किया है, नाइस मिक्स, वेरी नाइस मिक्स, वेरी नाइस अरेंज, स्टार्ट बिट भी अच्छा है। यम पक्कों पोना वाला तेरा मिला मूछ तल्ल यम तले, ये एफ्रो बीट पे रहेगा पक्का। पेरा के कतूं क्या बात है, यम को तेरा इन्ना तुम दनं जो तू कतरे नहीं था, पर आपने नोटिस किया, मैं अब भी आधे गाने में ही बोल सकता हूं कि ऐसे गाने जो है ना, ये वायरल होना डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी, एक तो अरेंजमेंट बहुत प्यारा अरेंजमेंट है, मिक्स बहुत प्यारा है इसका। बिल्कुल, वीडियो में अब हम लोग आगे आएंगे डिटेल में कि कौन सी चीजें प्यारी है। बिल्कुल, बट इसमें जो अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप्स है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे है। गाना जो बाकी लोग एफ्रो पे कर रहे हैं आजकल, और ट्रेंड बन गया एफ्रो का। एफ्रो इंडिया में क्यों लोग कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा,
एफ्रो तो बहुत पुराना जॉनर और ऐसा बहुत लोगों ने करके छोड़े, बट बिल्कुल एक चीज है गाइस कि एफ्रो को यूज कितना अच्छा किया इस पे। अभी तो हमारे बॉलीवुड के एक गुरु रंधावा साहब भी है जो एफ्रो यूज करे बहुत ज्यादा, बट उनके हर एफ्रो अच्छे नहीं अच्छे है, नहीं अभी है। कुछ दो चार गाने आए थे, अभी एक वो एक दिल्ली का एक आर्टिस्ट है रैपर वो भी कर रहा है, बट आप ये एफ्रो में देखो क्योंकि इन्होंने एफ्रो यूज किया है बट इंडियन टच दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये होता है, ये होता है क्रिएटिविटी। बिल्कुल ये ऐसा करेगा, इन्होंने इंडियन टच रखा है, एफ्रोबीट भले ही एफ्रोबीट पे किया बट इंडियन टच रखा है। बिल्कुल एलिमेंट्स में वैसे एलिमेंट्स यूज करके उन्होंने ऐसा खेला है, तो ये बात अच्छी लगी मुझे, ठीक है ना। बिल्कुल तो सुनते हैं, पीछे से लगा देता हूं मैंने, इधर लेगा, ठीक है गाइस मजा आ रहा है। तो काश हमको लिरिक्स भी समझती तो और मजा आता, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, और दोनों सिंगर भी बहुत अच्छा मचा रहे हैं, और वीडियो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलो चलो किक नहीं है अब तक, फुल देके चल दिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या वोकल्स भी अच्छे छोकरे के। म्यूजिक कंपोज एंड प्रोड्यूस एंड संग बाय साई अभ्यंकर साहब, मेरे भाई भाई बहुत मजेदार। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यू डिजर्व वायरल होना। बिल्कुल ऐसे गाने जब, क्योंकि आपने म्यूजिक में इसमें मैं मेरी एक बार बोलता हूं, बिल्कुल जो हॉन्ग सेक्शन था बिल्कुल पा 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 परफेक्टली यूज किया है, परफेक्ट आके चले गया, जो हमारे वायलिंस थे वो भी आके चले गए, और जो हमारा एफ्रो बीट था वो भी इतना स्मूथ और प्यारा यूज किया है कि आपने उसको वही नहीं रखा। एग्जैक्टली आपने
अपने तरीके से लिया, यही मैं बोलता हूँ कि कोई भी जॉनर उठाओ, इंस्पिरेशन लो, जो आजकल के वॉनबीज बोलते रहते हैं, अरे उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, अरे चूतिए उसको इंस्पिरेशन, इसने भी तो इंस्पिरेशन लिया ना, पर उसने अपना डाला कुछ, बिल्कुल अपना कलाकारी किया, कलाकारी किया। ऐसा करो, अरेंजमेंट में कितनी रिचनेस है, देखो बिल्कुल जैसे वीडियो में रिचनेस है वैसे अरेंजमेंट में रिचनेस है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चाहता हूं मैं कि ऐसा करो यार कुछ। बॉलीवुड रिमेक पे रिमेक कर रहा है, वो भी घटिया। रिमेक भी कर रहे तो भी घटिया कर रहे, फिर बोलेगा तो नहीं जुड़वास, जुड़वास फिर क्या करेंगे? जुड़वास भी बोलते तो बोलते यार, जुड़वास बोल देते बोल के, तो बोलने का नहीं तो क्या करने का? तुम खराब दे रहे म्यूजिक, तो मैं क्या करूं? ये देखो बहुत बहुत अच्छा काम साई स्मृति जी ने भी बहुत अच्छा, मतलब सिंगिंग में इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा वाइब आ रहा था, और ये दोनों का इतना अच्छा ये लग रहा था कि क्या बताऊं। एक तो ऐसा है साई अभ्यंकर और साई स्मृति जी, ये दोनों इतना अच्छा घुल गए थे, ऑब्वियस ये कंपोजिशन में घुल गए, अरेंजमेंट में घुल गए, उनका वोकल्स भी ऑब्वियस प्रॉपर गया, कंपोज भी ये इसने, ये भाई ने किया है, एग्जैक्टली इसको पता है ना कैसा यूज करना है प्रॉपर, बिल्कुल सिंगर को भी। और उतना ही हमारे बैकिंग वोकल जो है श्रीनिधि और फाइक एंड शिवा एंड एलिसा, बहुत अच्छा, इन लोगों ने भी फुल मचा दिया है, घुस के काम किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी गिटार्स एंड ऑल इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे हॉर्न सेक्शन की बात कर रहे थे हम, ट्रम्पेट वगैरह इतना अच्छा आ रहा था, क्या बात है, मतलब बेस गिटार से लेके हर एक चीज गाइज, इधर नाम भी लेके है, सब लोगों ने मतलब अच्छा काम किया है, इसको बोलते गाइज अरेंजमेंट, इसको बोलते ये अच्छा चीज होना है, ये चीज होनी चाहिए वायरल, ऐसी चीज होनी चाहिए, इसको बोलते ओरिजिनलिटी, जिसको दिल से तारीफ करने की इच्छा होती है। और वीडियो भी काफी अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ठीक है, वीडियो भी काफी अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर हमारे थे जो भरद्वाज भाई ने किया है, हमारे डीओपी विजय कार्तिक खनान है, जिन्होंने बहुत अच्छा और कलरिस्ट हमारे विनेश विजयन है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल हाँ बहुत अच्छे से मचा के रखा है। श्रुति माजारी माजारी आपने कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत अच्छा किया, मंजार है। मंजार कॉस्ट्यूम मजारी मंजारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक है, ओके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये भी मंजारी है हाँ। और इधर मेरे को लगता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर में दो बार नाम है और आठ डायरेक्टर प्रदीप राज, अच्छा एक में मंजारी लिखा है, एक में मंजर लिखा है, गाइस ये करेक्शन कर देना ठीक है। देख उसने नाम सेम है, बस सरनेम में डिफिकल्ट हो गया, फिर बोलते यार कि गाने नहीं चल रहे, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक गिटार जो है अपने केबा एंड रोबिन ने किया है, बेस गिटार केबा ने किया है और अपने सेबेस्टियन, इलेक्ट्रिक गिटार केबा रोबिन सेबेस्टियन ने किया है, क्या बात है। और सैक्सोफोन हमारे आशीष भाई ने किया है, ट्रम्पेट जॉन हेरनी पार्क एच वॉरन एंड बेन, बहुत सारे लोग हैं यार, ये चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये गाना रिव्यू जो किया है, ऐसे गाने रहते हो रिव्यू करने को मजा आता है, बोलने को बहुत कुछ रहता है ना, क्योंकि नहीं तो वही सुन के हमको क्या लग जाता है यार बंदा यार। तो गाइस वेरी नाइस, कीप इट अप, ऐसा ही नया म्यूजिक और ऐसा ही फ्रेश साउंड देते रहो, और प्लीज नए जनरेशन जो भी आ रहा है उनके ही हाथ में अच्छा, दो टाइप के न्यू यंग टैलेंट है, जो म्यूजिक को खराब कर रहे हैं और जो म्यूजिक को बचा रहे हैं, तो आप बचाने वाला बनो ना कि खराब करने वाला बनो, बिल्कुल खराब वाला भी बीच मिडिल फिंगर पे आ रहे तो क्या बोलेगा अभी, तो सही है यही सब बात है बस। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na